पुरसकून मोहब्बत तो वही है जिसके बाद इंसान बेफिक्री की नींद सो सके, और ऐसी बेफिक्र और आरामदेह नींद बस अल्लाह की मोहब्बत के बाद ही आती है। तभी किसी चीज़ की फिक्र नहीं रहती, ना ख्वाबों के पूरे होने की और ना लम्हों के मुकम्मल होने की। फिर ना दुनिया से डर लगता है और ना ही रात के अंधेरे से, और उन अंधेरों की ना ही खामोशियाँ तंग करती हैं। दर्द में भी आराम मिलने लगता है, अल्लाह पर बेहद प्यार आने लगता है। जो पास नहीं होता उस पर सब्र आ जाता है, और जो पास होता है उस पर शुक्र आ जाता है। हम जिंदगी में सारी मोहब्बतें आजमाते हैं और फिर बेपनाह थक जाते हैं। तभी तो हम अल्लाह की मोहब्बत को महसूस ही नहीं कर पाते। हम उससे गर्ज का ताल्लुक रखते हैं कि इस चीज़ के लिए सजदा कर रहा हूँ, इस ख्वाहिश के लिए झोली फहरा रहा हूँ। हम कभी ये क्यों नहीं कहते कि या अल्लाह आपके लिए सजदा कर रहा हूँ, या अल्लाह आपको पाने के लिए झोली फैला रहा हूँ। जिस दिन हम ये कहना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया की वो तमाम मोहब्बतें जो हमसे दूर भागती हैं, ये जो हमसे छीन ली गई हैं, वो वापस लौटा दी जाएंगी। और जानते हैं, उस दिन उन मोहब्बतों की तलब भी नहीं रहेगी। अल्लाह की मोहब्बत इंसान को इतना मुकम्मल कर देती है कि फिर किसी और की गुंजाइश ही नहीं रहती। और फिर इंसान सब्र और इश्क की उस इंतहा को पहुंच जाता है जहां अल्लाह की रजा के सामने सब कुर्बान कर दिया जाता है।